हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज है ना मैं आपके साथ होली का मेकअप शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल में। और तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एंड बहुत सिंपल लुक होने वाला है पर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया पिलग्रिम का ये सीरम, फेस सीरम। तो फेस सीरम मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी लगाया करें। उसके बाद मैंने जस्ट आपका ये मॉइस्चराइजर जेल क्रीम लगाया है, ये बहुत सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को। तो देन उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज किया ब्लू हेवन का प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल। उसके बाद मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर विथ प्राइमर यूज किया, बिकॉज मुझे थोड़ा ग्लोई मेकअप चाहिए था, ग्लोई ड्यूई, इसलिए। देन उसको अच्छे से ब्लेंड किया एंड देखिए रिजल्ट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज किया, ये मेरी स्किन से एकदम मैच करता फाउंडेशन है तो, और बहुत ही लाइट वेटेड है, और फुल कवरेज तो नहीं बोलूँगी बट मीडियम कवरेज दे देता है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है मेकअप, इसमें कैसा होता पता है कि आपको लगता भी नहीं आपने बहुत कुछ अप्लाई किया है। आपको मैं दिखाऊँगी अपना बेस मेकअप आगे जूम करके, तो आप देख सकते कुछ लगा ही नहीं, स्किन के अंदर चला गया, लग ही नहीं रहा है कि आपने कुछ अप्लाई किया, ठीक है? तो बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है। उसके बाद मैंने यहाँ हिलेरी रोडा का कंसीलर लिया था, ये मैंने लिया था बट इतना पसंद नहीं आया मुझे, बिकॉज इसकी ना कवरेज उतनी नहीं है, बट हाँ डेली यूज के लिए ठीक है, ठीक है? तो इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया लगा के अपने अंडर आइज़ के नीचे, और आप लेना चाहे तो ले सकते हैं बट उतना कवरेज नहीं देगा। तो उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड का ब्लश लगाया, एंड आपने देखा होगा ये मैं रोज ही ब्लश लगाती हूँ बिकॉज इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, क्रीमी ब्लश है, बहुत ही जल्दी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छा लुक भी आता है। मैं इसको डेली भी यूज करती हूँ जब कभी मैं बाहर जाती हूँ, तो बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करना इसको भी। देन उसके बाद मैंने ना कॉम्पैक्ट पाउडर फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अच्छे से सेट कर लिया। तो देखिए आगे मैं आपको अपना बेस मेकअप दिखाने वाली हूँ, और अपने नेक को भी ना भूले। तो ये देखो कितना ग्लोई और स्किन के अंदर मतलब लगी रही ना आपने कुछ लगाया, ठीक है? उसके बाद मैंने ना आई शेडो में से दो ब्राउन्जर शेड लेके अच्छे से उसको ब्राउन्ज किया। आपके पास ब्राउन्जर ये सब नहीं है तो आपके एक आई शेडो पैलेट से भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे आईब्रो फिल किया, आईब्रो इससे पाउडर आईब्रो से। और उसके बाद मैंने यह कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट लिया है और उसमें से पिंक कलर लूँगी। और ये आई मेकअप इतना अच्छा आया ना, मैं क्या ये बोलूँ आपको कि मतलब ये लुक इतना अच्छा है कि हमारे बाजू में एक दीदी थी उनका भी मैंने सेम लुक किया था, उनको इतना पसंद आ गया, ठीक है? तो मैंने ना थोड़ा सा लाइट शेड लेके अपने आई लिड के ऊपर, पूरी आई लिड के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंडिंग इज मस्ट। हाँ, उसके बाद इससे थोड़ा डार्क शेड लेके मैंने इनर कॉर्नर पर टैप टैप करके अच्छे से उसको भी ब्लेंड कर लिया। फिर उसके बाद है ना आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। उसके बाद ये हाइलाइटर था, इसमें बहुत सारे हाइलाइटर शेड मिल जाते हैं जिसको आप आई मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ना एक गो शिमर आई शेडो लगा लिया था अपने, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, मैं बहुत ही सिंपल लुक रखने वाली हूँ। उसके बाद ये रिकॉर्ड का मैंने काजल लिया था, ये शार्प करने वाला काजल है तो ये छोटा हो गया, ठीक है? उसके बाद शेम मैंने पिंक कलर अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच कर लिया। उसके बाद मैंने मास्क का मस्कारा लगाया, और बहुत अच्छा मुझे ना इस मेकअप में ना कोई आईलैशेस नहीं लगाना था और एकदम नेचुरल लुक लगना था, और इतना पसंद आया कि अगर ये मैं पर्सनल बोलूँ तो मैं कोई भी वेडिंग में भी ये मेकअप लुक जरूर करना चाहूँगी। उसके बाद ये हाईलाइटर है टिप्सी ब्यूटी का, इसकी पैकेजिंग तो ओ माय गॉड, इसकी पिगमेंटेशन देखिए कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है। तो थोड़ा सा भी आप लेते हो ना तो बहुत हाईलाइट करता है आपके फेस को। एंड देन उसके बाद मैंने हाईलाइट, और यहाँ पे कोई तो आ गया था तो मैं उनसे बातें करते करते भी अपना मेकअप कंटिन्यू कर रही थी, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद आप भी, उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा न्यूड लगाऊँ या कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, तो ये मैंने ना लोकल मार्केट से ली थी, इसका शेड मुझे बहुत पसंद है, बुलेट लिपस्टिक है, तो ये मैंने लगाई थी। इसका मुझे नाम पता नहीं है बट ब्रांड नेम पता नहीं है। उसके बाद इनसाइड का ये मेकअप फिक्सर एंड दिस इज फाइनल लुक। पर यहाँ पे आपको कुछ कमी लग रही होगी बिकॉज यहाँ पे मैंने बिंदी लगाना भूल गई थी, तो आगे मैं बिंदी लगाऊंगा, और बिंदी लगाने से तो आपका मेकअप लुक वेडिंग मतलब इंडियन मेकअप लुक तो इनकम्प्लीट है, तो बिंदी तो ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए बिंदी लगाने के बाद कितना, और छोटे से झुमके मैंने वेयर किए थे, और ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप भी ट्राई करना इस मेकअप लुक को, तो बताना कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।